हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2.3 द इंचकेप रॉक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चंस A3। पोएम में कुछ वर्ड्स शिप और मरीनर्स के लाइफ से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पे नीचे कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, हमें वो किन वर्ड्स के मीनिंग है वो आइडेंटिफाई करना है। से पहला दिया है हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप, इसका आ जाएगा सेल्स। दूसरा है द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द शिप, इसका आंसर है कील। तीसरा है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दैट शोज डायरेक्शन, इसका आंसर है बॉय। अनदर नेम फॉर अ शिप पोएम में दिया हुआ है वेसल। सिंकिंग साउंड पोएम में यूज्ड बाय वर्ड गर्गलिंग। A4 फर्स्ट वन बैलेड, ये एक सॉन्ग है जिसके थ्रू स्टोरी बताई जाती है, और ये बैलेड ड्रामेटिक, फनी या रोमांटिक हो सकता है। बैलेड ट्रेडिशनली जो है एक फोकलोरिक यानी कि लोकगीत है, जो नरेटिव होता है, जिसमें कोई कहानी बताई जाती है और इसमें कम्युनल डांस भी होता है। जनरली एक नरेटिव पोएम होती है जिसमें कोई इंसिडेंट को नरेट किया जा रहा है एंड उसको स्टाइलाइज मोड में नरेट किया जाता है, कहीं कहीं पे वर्ड्स को रिपीट किए जाते हैं। सो ये टेक्निक जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो 18th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स फोक या फिर बैलेट्स इनको लिखना स्टार्ट हो गया था, और इसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रभावी पोइट्स हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी के एंड में इस फॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया। टिपिकल जो बैलेट्स होते हैं जनरली उसमें स्टैंजाज जो है वो चार क्वाट्रेन होते हैं, यानी कि चार लाइंस के स्टैंजाज होते हैं, और सम बैलेट्स में रिफ्रेन होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन जो हर एक स्टैंजा में रिपीट होती हो, या फिर रिपीटेड कोरस है जैसे सॉन्ग में होता है। और ऐसी एक प्रसिद्ध बैलेट है जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर, जो सैमुअल टेलर कॉलरिज इन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A4 का सेकेंड। और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे लाइंस जो है उन लाइंस में कौन से फिगर ऑफ स्पीच है वो आइडेंटिफाई करना है। पहला दिया हुआ है सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन, यहाँ पे आर साउंड क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि रिपीट हो रहा है, जैसे सर राल्फ रोवर टोर हेयर, इनमें आर साउंड रिपीट हो रहा है, तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा द क्लोज रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। अब कंसोनेंट साउंड है यहाँ पे आर। सेकेंड, नो स्टर इन द एयर नो स्टर इन द सी, अब इस लाइन में रिपीटेशन है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नो स्टर ये रिपीट हो रहा है। प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स रिपीटेशन में काउंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन है ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे बॉय जो एक ऑब्जेक्ट है उसको ह्यूमन क्वालिटी दी है, नॉन एनिमेटेड थिंग है वो। नेक्स्ट है डाउन सैंग द बेल विद गर्गलिंग साउंड, ऑनोमेटोपिया है इसमें क्योंकि गर्गलिंग जो वर्ड है वो साउंड या म्यूजिक को एक्सप्रेस कर रहा है पोएम में। द डेविल बिलो रिंगिंग हिज नेल, मेटाफर, यहाँ पे रिंगिंग नेल उसका कंपैरिजन डेथ के साथ है। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, सिमिली है यहाँ पे, शिप का कंपेरिजन उसके प्रीवियस पोजिशन के साथ किया है एज वर्ड यूज करके। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, 7th वन इन्वर्जन है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक। ओ क्राइस्ट अपोस्ट्रोफ है जब नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस किया जाता है या इनविजिबल थिंग को, गॉड को एड्रेस किया जाता है, यहाँ पे गॉड को एड्रेस किया गया है। सो अभी A5 देखते हैं। A5 का फर्स्ट है राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द इंचकेप रॉक। सो एप्रिसिएशन लिखते समय टाइटल, पोएट नेम, थीम ऑफ द पोएम, फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम, मॉरल ऑफ द पोएम, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और आंसर पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना है।
नेक्स्ट देखते हैं A5 का सेकेंड कंपोज पोएम 4 to 6 लाइंस ऑन सी। तो आप से पोएम कंपोज कर सकते हैं जिसमें राइमिंग वर्ड्स लिस्ट होने चाहिए या फिर इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए। अब जब कंपोज करोगे पोएम तो उसमें ध्यान देना कि आप पोएम जो है वो जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड ही आप पोएम कंपोज कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं A6 एक्सपांड द आइडियाज ऑन योर ओन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। इसमें 4 एक्सपांशन ऑफ आइडियाज दिए हुए। पहला है प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, सेकेंड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, थर्ड मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस और डी लुक बिफोर यू लीव। तो कोई भी आप एक्सपांशन करोगे आइडिया, तो पहला इन पैराग्राफ में आपको उसे एक्सपांड करना है। पहला पैराग्राफ जिसमें आप उस प्रोवर्ब का मीनिंग बताओगे, सेकेंड पैराग्राफ जिसमें आप उस प्रोवर्ब से रिलेटेड एग्जाम्पल दोगे, और तीसरा पैराग्राफ उस पोएम से हम क्या सीख रहे हैं वो बताओगे, और उससे रिलेटेड कोई प्रोवर्ब है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। टाइम एंड टाइड, यहाँ पे टाइम का इम्पोर्टेंस है, और मीनिंग बताते समय आपको इनडायरेक्ट मीनिंग बताना है, डायरेक्टली मीनिंग नहीं बताना है कि द गिवन प्रोवर्ब मीन्स, ऐसे नहीं लिखना है आपको। और हर एक प्रोवर्ब जो है वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होते हैं। प्रोवर्ब इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड है उसके बियॉन्ड उसका मीनिंग है, तो मीनिंग आपको समझना होगा। तो ये थे 4 प्रोवर्ब्स और उसके आंसर्स। नेक्स्ट वन देखते हैं द पोएम बिगिंस विद लाइंस दिए पोएम के और इस लाइन से एंड हो रहा है, तो इसमें पोएम में मूड क्या चेंज हो रहा है। तो बिगनिंग में पोएम जो है उसमें मूड जो है पोएम का बहुत ही काम जेंटल पीसफुल मूड था, क्योंकि एयर जो है स्टिल था, कामनेस था सी में, और इंच के बेल जो है वो रिंग नहीं हो रहे थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेव्स नहीं थे उस समय में। लेकिन एट द एंड ऑफ द पोएम क्या हुआ, पोएम बहुत ही वायलेंट और डिस्पेयर से फिल्ड हो गई थी, क्योंकि सी जो है स्टॉर्मी था, तूफानी था, और टर्बुलेंस थे, डिस्पेयर, बैड स्टॉर्मी वेदर था, और शिप रेक और ग्लूमी एटमोसफेयर था। A7 ये जो डायग्राम है ये राइटिंग स्किल के लिए पूछा जा सकता है, बट ये करियर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे www.joinindiannavy.go.in, यहाँ पे आपको हर एक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑन एंड ऑफ द शोर क्या अपॉर्चुनिटीज आपको इंडियन नेवी में ये आपको मिल जाएंगे, इवन वुमेन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपको यहाँ पे उसी पोर्टल पे मिल जाएंगे। सो आप उस वेब पोर्टल पे जाइए तो आपको हर एक डिटेल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और ये सब कॉलेजेस हैं जिनको ओशियोग्राफी यानी कि ओशियन से रिलेटेड स्टडी करनी है, उसमें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, तो ओशियोग्राफी के इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनमें से 4 कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन किए हैं जो गोवा, मुंबई, केरला और तमिलनाडु में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।